जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि भाग्य को पलटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि भाग्य में जो लिखा है वो कभी नहीं बदलता और आप उसको भोगना ही भोगना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो इतने विशेष मंत्र हमारे ग्रंथों में नहीं दिए रहते। इसे कई उदाहरण है कि लोगों ने अपने भाग्य को बदला है। वो बदलने की जो ताकत है वो आपके हाथ में है। कैसे बदलेंगे अपना भाग्य, कौन सा मंत्र हम यूज करेंगे अपने भाग्य को बदलने में, और क्या है वो तरीका, वो सारी बातें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा सिंपल तरीका जिसको करने से आप बहुत आसानी से अपने भाग्य में जो लिखा है उसे और अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा, और आप अगर उसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। ईश्वर ने हर चीज आपके हाथों में दे रखी है, बस सही तरीके से उसे आपको यूज करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भाग्य को आप कैसे पलट सकते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जो इतना पावरफुल है, जो आपके भाग्य को पलटने में सहयोग करता है, आपके बुरे कर्मों को काटता है और आपके जीवन में आपके जो अच्छे कर्म है उसके पुण्य को बढ़ाता है। इतना पावरफुल मंत्र है, अगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप इसे अपने लाइफ में यूज करते हैं तो आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसी भावनाएं, वैसी संभावनाएं घटित होने लगेंगी। तो कौन सा है वो मंत्र? दोस्तों मंत्रों का जाप दो तरीके से होता है, एक मौखिक एक लिखित। मौखिक मंत्र अगर आप जपते हैं वो भी फायदेमंद है, लिखित जपते हैं वो भी फायदेमंद है। आज मैं आपको बताऊंगी लिखित तरीका, यानी कि मंत्र जर्नल। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत जगह सुना होगा कि आप किसी चीज़ को जब लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी उतरता है, और जब कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है तो वो चीज़ बहुत जल्दी घटित होने लगता है। आज इसी चीज़ की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस मंत्र को करने के लाभ, फिर जानेंगे कि कैसे इसको करना है। दोस्तों अगर इस मंत्र का आप इस प्रकार प्रयोग करते हैं जो तरीका मैं बता रही हूँ, तो आपके लाइफ में, अगर आप व्यवसाय में हैं, आप जॉब में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं लाइफ में, उसमें सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन समस्या आ रही है आपको किसी भी तरह की, आप इसे करना शुरू कर दीजिए। मन एकाग्र हो जाएगा, जीवन में आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखेगा और लक्ष्य की प्राप्ति आपको जल्दी हो जाएगी। कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप ये करके देखिए आपको संतान सुख भी बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। इस एक उपाय से आप शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकता, कोई तंत्र मंत्र प्रेत बाधा हवा कुछ भी आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये मंत्र की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि आप पर किसी भी तरह की बाहरी हवा जिसे कहते हैं वो असर ही नहीं कर सकती, ना नजर दोष लग सकता है, ना आप पर किसी तरह का जादू टोना काम कर सकता है। इतना प्रोटेक्शन आपको, इतना सुरक्षित आपको ये मंत्र कर देता है। दोस्तों पार्टनर अगर आपको सही नहीं मिला है तो आपको पार्टनर सही हो जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा है विवाह हो जाएगा, प्यार संबंधी समस्या है लव लाइफ संबंधी समस्या है लव लाइफ ठीक हो जाएगी, आपको कोई बीमारी सता रही है, कोई रोग है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना पावरफुल और विशेष सिर्फ ये एक मंत्र है, और ये एक तरीका जिसे करने के बाद आप जीवन में हर क्षेत्र में फायदा आपको होने वाला है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपका भाग्य पलट जाएगा। इस मंत्र को आपको करना क्या है, मैंने पहले ही कहा मंत्र जर्नलिंग करनी है, तो आपको इसे करने के पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप अपने स्वच्छता का ध्यान रखें, हाथ मुंह धोकर, जरूरी नहीं कि आप स्नान ही करें लेकिन हाथ मुंह पैर धोकर ही आप बैठे और तब इसका ये प्रयोग करें। आपको दूसरा नियम ये फॉलो करना है कि एक समय फिक्स करें, अगर आप दोनों समय करते हैं रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद दोनों समय करना चाहते हैं तो दोनों समय का टाइम फिक्स कर लें कि रात को अगर आप 10 बजे करना चाहते हैं तो 10 बजे करें और सुबह आप 5 बजे 6 बजे जब भी आप करना चाहते हैं तो ये एक टाइम फिक्स कर लें जो आपको रोज एक ही टाइम पर आपको ये करना है, एक ही जगह पर बैठ कर करना है आपको, और जो भी आपकी विश है उसे पहले क्लियर करें कि आपको किस विश के लिए आप इसे करना चाहते हैं।
ये आपको 41 डेज का अनुष्ठान करना है, गारंटी है कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी या फिर पूरे होने के आसार दिखने लगेंगे। सबसे पहले मंत्र को नोट करें और उसके बाद में बताऊंगी कि मंत्र को लिखना कैसे है। मंत्र है दोस्तों आपका गायत्री मंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं और इससे इस जैसा वरदान ईश्वर का कुछ नहीं। बहुत ही वरदान देने वाला ये मंत्र है। जब आप इसे जपते हैं तो आपको बहुत कुछ अपने आप धीरे धीरे फील होने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है। आप जपें और चाहे लिखें, लिखने से तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई एक लोगों को मैंने ये बताया है और लिखने के बाद उन्होंने अपने विश को पूरा किया है। छोटे छोटे विश पहले आप शुरू करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बड़े विश एक साथ तो बहुत सारे विश नहीं लें, बड़े बड़े विश आप बाद में करेंगे, छोटे छोटे जो जीवन में आपके छोटे रोजमर्रा की चीज़ें हैं आप उसे करके देखें, आपको तुरंत उसके असर दिखने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो करना क्या है, गायत्री मंत्र लिखना है आपको, तो गायत्री मंत्र नोट कर लें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र को लिखना है आपको। एक काउंटिंग फिक्स कर लें कि आप इसे कितना बार लिखेंगे, 11 बार 21 बार, ठीक है। उसके बाद एक प्लेन पेपर ले लें, उस पर रेड पेन से या फिर ग्रीन पेन से या फिर ब्लू पेन से लिखें, ब्लैक पेन से नहीं लिखें। आप इसको 11 बार लिखेंगे। सबसे पहले इस मंत्र को लिखेंगे, मंत्र को लिखने के बाद फिर अपनी विश लिखेंगे, जो आपको विश मांगनी है, फिर मंत्र को लिखेंगे, फिर अपनी विश लिखेंगे। मतलब 11 बार आप मंत्र को लिखेंगे, 11 बार आप विश को लिखेंगे। उसके बाद आपको एक कॉपी लेना है, एक डायरी लेनी है, रोज आप उसी में यह काम करेंगे, आपको इधर उधर नहीं करना। उसे आप अपने विश को लिखेंगे। जब आप पूरी तरह 11 बार सारा कुछ लिख चुके होंगे तो आंखें बंद करके माँ गायत्री को याद करेंगे और उसके बाद फिर से आप अपने विश को और उस मंत्र को पढ़ेंगे और थोड़ा ऐसे आवाज में कि आपकी आवाज आपको सुनाई दे, पढ़ेंगे और पूरे विश्वास के साथ फिर उसे बंद करके रख देंगे। अगले दिन भी आपको ऐसे ही करना है, ये आपको करना है 41 डेज के बाद। दोस्तों कोई भी चीज़ जादू नहीं होती, किस्मत पलटना इतना आसान नहीं होता। जो किस्मत में आपने आपका लिखा हुआ है वो पिछले जन्मों के कर्म हैं और उस कर्म को, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे फल हैं, बुरे हैं तो बुरे फल ही मिलेंगे। तो बुरे फल को कम करना आसान नहीं है, इसलिए समय तो लगता है। जो कोई अगर कहते हैं कि 24 घंटे में या फिर 2 घंटे में 3 घंटे में अगर आपको फल मिलता है तो वो फिर आपके कर्मों का ही फल है। अगर आपको कर्म के फल मिल रहे हैं, अगर आपको फल मिलने में लेट हो रहा है तो वो भी आपके कर्म के फल है। लेकिन फल तो मिलेगा, किसी को एक दिन में मिलता है, किसी को 24 घंटे में, तो किसी को 2 दिन में, तो किसी को 30 दिन में, लेकिन फल मिलता है। ऊपर वाले के दरबार में कभी भी देर है, अंधेर नहीं है। तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं आप बस लिख दीजिए और लिखने के बाद आप सिर्फ 41 डेज करके इसे छोड़ दीजिए। अब अगर कोई महिला कर रही है और उसे पीरियड्स के समय में करना है तो आप पीरियड्स के समय में आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप हाथ पैर धो के माँ गायत्री को याद करके बस लिखना शुरू कर दीजिए और इसे कर लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत लाभकारी है, करके ज़रूर देखिएगा किसी भी विश के लिए और इसका फायदा जरूर उठाएगा। दोस्तों वीडियो यहीं तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी किसी से जानकारी के साथ। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।